एक घर के छेरी हरे पूरा ना है, एक घर के छेरी हो ही पूरा। बहुत अकन पाल के रखे मल तो। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे घर देखने को मिलता है। खिड़की दरवाज़ा देख सकते हैं, लकड़ियों का मस्त डिज़ाइन जो बनाकर यहाँ पे दरवाज़ा बनाकर रखे हुए हैं, मतलब लगाए हुए हैं घर पे, इस प्रकार से देखने को मिलता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत सारे बकरियाँ पाल के रखे हुए हैं। और ये वाला घर को देख सकते हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे जो दरवाज़ा जो बकरी पाले हुए हैं ना, उसका घर का दरवाज़ा जो इस प्रकार से बनाकर रखे हुए हैं टीना टप्पर डाल के, इस प्रकार से मजबूती तो नहीं रहता फिलहाल, इसी प्रकार से देखने को मिलता है यहाँ पे इस वाले विलेज पर। और फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं इधर का घर मोहल्ला, और ये है सेल्फी का पेड़ जो कि रस निकलता है नहीं निकलता पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे हंडी वगैरह तो लगा नहीं है फिलहाल। इस प्रकार से ये वाला विलेज हमें भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मुनगा का जो पेड़ है पौधा है फला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पुराना समय का कुआं जो कि आज भी यहाँ पे मौजूद है, और इसी कुएं का पानी भी पीते हैं, खाना भी बनाते हैं। देखते हैं इसमें पानी है या नहीं है। फिलहाल लकड़ियों को डाल के इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है। ऊपर में यहाँ पे लकड़ियाँ डाले हुए हैं पानी निकालने के लिए, इस प्रकार से रस्सी फंसा के निकालते हैं बाल्टी वगैरह में। और पानी आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है फिलहाल यहाँ पे। और यह चौक में मतलब बीच चौराहे पर यहाँ पे कुआं है, अगल बगल हमें यहाँ पे घर देखने को मिलता है चारों ओर, और बीच में यहाँ पे कुआं है जो सभी लोग इसी कुएं का पानी का उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, क्योंकि तालाब तो इस गाँव में नहीं है फिलहाल। और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़। और इस साइड हम पहुंच चुके हैं लास्ट गांव के, और यहां पे देखने को मिलता है वही जो खप्पर वाला सीमेंटेड वाला सीट है, और यहां पे लगा हुआ खेत खलियान जो कि अभी यहां पे रबी फसल जो कि गर्मी का मौसम में यहां पे खेती वगैरह नहीं करते क्योंकि पानी का व्यवस्था नहीं है। इस कारण से सिर्फ यहां बारिश का पानी के सहायता से यहाँ पे खेती किसानी करते हैं। और यहाँ पे अगल बगल हमें वही देखने को मिलता है। और यहाँ इस साइड से दिखाते हैं ये वाला मोहल्ला, और कटा हुआ मतलब रास्ता कटा हुआ किसी और गांव जाने के लिए। तो इस प्रकार से तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।